नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट जो होता है ये एक आखिरी पड़ाव होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। जब आदमी का दर्द इतना बढ़ जाए कि वो अपने जो दिन भर दिन वाला काम है वो कर नहीं पाए। ये आपका नॉर्मल घुटना है, ये ऊपर वाली हड्डी है आपका थाई का हड्डी और ये नीचे लेग का हड्डी है। भगवान ने हमारा घुटना ऐसे बनाया कि हड्डी हड्डी से नहीं टकराता। हड्डियों के बीच में दो गद्दियाँ होती है जो बदन का वजन लेती हैं, मच लाइक अ शॉक अब्जॉर्बर जो मोटरसाइकिल में होता है ताकि राइडर के पीठ पे जोर ना पड़े। उसके अलावा हड्डी के ऊपर 1 सेंटीमीटर मोटा चिकनाई होता है या कार्टिलेज बोलते हैं जिसे। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो ये कार्टिलेज खत्म होता जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके वजह से हड्डी हड्डी से टकराता है और फ्रिक्शन होता है और आदमी को दर्द होता है। इस सिचुएशन में इसको हम एक कैप बोलते हैं जो 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो ये रिप्लेसमेंट नहीं होता, वो एक गलत टर्म है, एक रीसर्फेसिंग होता है। तो ये कैप ऐसे दिखता है, हड्डी को फ्रेशन करके ये कैप इसके ऊपर लगाया जाता है। वैसे ही नीचे की हड्डी पे ये लगाया जाता है और बीच में एक आर्टिफिशियल शॉक अब्जॉर्बर या लगाया जाता है जो लोड ऐसे लेता है इसे। घुटने तंदुरुस्त करने के लिए पहली चीज़ जो है अपने फिटनेस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना वज़न आपके घुटने पे जाएगा उतना ही जल्दी वो घिसेगा। वेट कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, वर्जिश करना आपके घुटने के मांसपेशियों को सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो थाई के मांसपेशियां हैं उनको तंदुरुस्त रखें तो आप इसको डिले कर सकते हैं।